स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। तो देखिए, हमने अस्तर और एक कपड़े को काट लिया है। तो इसकी जो चेस्ट है, देखिए यहाँ से इसके ये हमने 10 इंच लिया है, यानी कि 40 है दोनों साइड कपड़ा। तो हम यहाँ पे 18 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे ये निशान लगा लेंगे फिटिंग का। तो 18 चेस्ट, एक साइड 18 हो जाएगा, तो यानी कि 36 चेस्ट का ब्लाउज है। इसको हम जब फिटिंग लगाएंगे यहाँ से, तो एक पल्लर हमारा 18 रहेगा पीछे का और आगे का भी 18, तो यानी कि 36 चेस्ट हो जाएगी। तो देखिए, 36 चेस्ट का हम ये ब्लाउज बना रहे हैं और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे वो है 15 इंच। तो हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो इसके 14 इंच तैयार रहेगी। और यहाँ पे हमने इसके जो शोल्डर लिए वो 6 इंच लिए और उमल वो भी 6 इंच। तो ठीक है, अब हम इसको पहले अस्तर और कपड़े पे रख के पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और पहले सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसको डबल करेंगे। अब डबल करने के बाद हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। अब देखिए, यहाँ पे हम ये चौकुटा निशान बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप, इस तरीके से हम इसमें गोलाई का शेप देंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे पहले। सिलाई लगाने के बाद अभी हम एक गोल्डन कपड़ा लेंगे और इसको हम तिरछा करेंगे। इसकी हमें डोरी निकालनी है इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे।
अब देखिए डोरी को हम यहाँ पे लगाएंगे, डोरी के हमने टुकड़े कर लिए, तो यहाँ पे टुकड़े की जो लंबाई है वो 2 इंच की है। Thank you.
अभी हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो छोटी बड़ी पट्टियां हो रही हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम लेस लगा रहे हैं। अब लेस लगाने के बाद यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, चौड़ी वाली पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे कपड़े को हम तिरछा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है पट्टी की। अब यहाँ से बराबर कर लेंगे। अब उल्टे की लंग से हम ये पट्टी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको हम आगे के साथ दबाते हुए सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए कितना सिंपल और सरल तरीके से हमने ये डिजाइन बनाई है, तो इसी तरीके से आप ये डिजाइन बना सकते हैं। ये बन गए हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।